नवी मुंबई पुलिस ने बेवरेज माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई, 10 डंपर लिए हिरासत में। नवी मुंबई जोन 1 के डीसीपी विवेक पांसारे ने एक पत्रकार परिषद में बताया कि उल्वे और नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में मुंबई और दूसरी जगहों से डेब्रिज लेकर डालते हैं, ऐसी कंप्लेंट नवी मुंबई पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस ने सिडको के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रैप लगाया और डेब्रिज से भरे 10 डंपर के साथ 10 ड्राइवरों को हिरासत में लिया। साथ ही डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने ड्राइवरों से ऐसा काम करवाया है, ऐसे मुबारक, शकील मावली, अमित खारकर, विकी दापोलकर के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो एनआरआई पुलिस स्टेशन का उल्वे नोड जो एरिया है और नया विमानतल जो बन रहा है उसके आजू बाजू में बाहर से मुंबई या और कई परिसर से कुछ लोग डेब्रिज ला के डालते थे, ऐसी कंप्लेंट्स कुछ दिन से आती थी। फिर कल हम लोगों ने 2-3 दिन से ट्रैप लगाया था, उसमें सिडको के अधिकारियों को भी साथ में लिया था। तो उसमें हम लोगों ने कल 10 डंपर्स इनको ताबे में लिया है, इसके साथ 10 ड्राइवर्स जो है वो और इसके पीछे जो जिनके आर्थिक हित संबंध है और जिन्होंने ये काम इससे ड्राइवर लोगों से करवाया है, ऐसे मुबारक, शकील मावली, अमित खारकर, विकी दापोलकर, ये लोगों के नाम भी इसके सामने आए हैं और ये सब लोगों के खिलाफ हम लोगों ने IPC 269-34 के तहत गुना दाखिल किया है और आगे का तपास हम लोग कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने नवी मुंबई मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर से बात की तो आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। ये पुलिस के लिए असेल तर ये आनंदाची गोष्ट आहे, पुलिस देखील प्रशासनाचाच एक भाग आहे, त्यामुळे आमच्या पथकाकडून कारवाई सुरूच असते, पण पोलिसांनी केली असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे। मला असं वाटतं की पोलीस आणि महापालिका प्रशासन या सर्वांच्या माध्यमातूनच अशा डेब्रिज सारख्या गोष्टींवर आळा घालणं आवश्यक आहे। महानगरपालिका भी करेगी ना, उनसे करेगी और हमारे जो कैमरे है वो बिठाने का काम चालू है, अप्रैल एंड तक हमारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम उसको 100% फंक्शनल करेंगे। उसके बाद ये सब एक्टिविटीज रोकने में मुझे लगता है हमको काफी सक्सेस मिल सकता है। तसे आम्ही पण आता सिडकोचे जे काही प्लॉट आहेत की ज्या ठिकाणी बरेचदा नागरिकांची मोठी तक्रार आहे की काही काही प्लॉट जे आहेत की अजूनही अस्वच्छ का आहेत, म्हणून त्याची आम्ही पाहणी केली। मग मला असं निदर्शन असेल की सिडकोचे काही प्लॉट अनअटेंडेड आहेत, ज्यांचं ऑक्शन झालेलं नाही, तिथे लोक चोरून हा कचरा किंवा हे डेब्रिज टाकण्याचा प्रयत्न करतात। तर आम्ही आता अशी एक यादी मोठी करायला आमच्या सर्व वॉर्ड ऑफिसनं सांगितलेली आहे आणि त्याची यादी संकलित झाल्यावर आम्ही सिडकोकडे ती यादी पाठवून देऊ की हे डेब्रिज आणि कचरा पडलेल्या प्लॉट। मला असं वाटत नाही, आमचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे चालू आहे, जे थोडेफार लूपहोल असतील ते आम्ही पोलिसांच्या आणि सिडकोच्या माध्यमातून आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून पूर्ण करू।